वेलकम टू डे टू। आज है दूसरा दिन, हम पहुंचे थे सादकाबाद में और आज हम जाएंगे सादकाबाद से आगे है स्टॉप लैया, जो कि तकरीबन 350-400 किलोमीटर के लगभग है। तो आज हम लैया जाएंगे, मुल्तान साइड छोड़ देंगे, थोड़ा सा मुतबादल रूट लेंगे, क्योंकि अगर मुल्तान एन एच फाइव से गए तो थोड़ा सा दूर पड़ेगा। अभी तकरीबन हुए हैं 6:30 और बस अभी निकलते हैं। हम सफ़र कर रहे हैं NH5 पर और अभी आ गई है हाईवे पर चुरंगी। ये रोड जो निकल रहा है ये जाएगा राजनपुर और हम वापस सीधा NH5 पर। आज जो हमने सफ़र तय करना है वो है 350 किलोमीटर का। हम जा रहे हैं आज लैया, आज हमारा स्टॉप होगा लैया में। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है थकावट की सूरत में किसी महफूज जगह पर आराम करें। टूल प्लाजा है जी खान बेला। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं तरंडा मोहम्मद पना में और इस वक्त हम जो है वो NH5 को छोड़ने लगे हैं, नेशनल हाईवे को छोड़ने लगे हैं और हम लेंगे ये मुजफ्फरगढ़ वाला रोड जो कि हमें पहुंचाएगा लैया और इससे हमें जो है वो 52 किलोमीटर्स कम पड़ेंगे, मतलब 52 किलोमीटर्स बचेंगे। ये
ये रूट हमें सजेस्ट किया था लैया के लोगों ने। मैं तो पहले जा रहा था NH5 से, मुल्तान से होकर लैया जाना था, लेकिन मुझे लैया के लोगों ने सजेस्ट किया कि आप यहाँ से आ जाएं, ये मुजफ़्फ़रगढ़ वाला रोड ये भी बहुत आला है। तो मैंने उन्हीं लोगों को फॉलो किया। खुश आमदीद पंचनद बैराज। ये आ गया है पंचनद हेड। पंचनद, पंच का मतलब पांच और नदी का मतलब है रिवर, तो इसका मतलब हो गया कि पांच दरिया। पांच दरिया इस वजह से यहाँ कहा जाता है कि जो भी पंजाब के सारे पांच दरिया हैं वो यहाँ पर आकर मिल जाते हैं, और ये पंचनद हेड जो है ये आता है बहावलपुर में। खुदा हाफिज पंचनद बैराज। अभी हम पहुंचे हैं मुजफ्फरबाद, यहाँ से जो है वो 50 किलोमीटर दूर है। पता नहीं ये कौन सी जगह है, समवेयर नियर टू मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़ यहाँ से 50 किलोमीटर है। और रोड अच्छा है, लिंक रोड है। जो मुल्तान रोड था वहाँ से अगर हम जाते तो 52 किलोमीटर ज़्यादा बन रहे थे लैया के लिए। हमारा जो डिस्टेंस है वो 170 किलोमीटर बाकी है आज का जो कवर करना है। ये रोड दिखने में असल में साफ़ आ रहा है, लेकिन ये साफ़ है नहीं। बाइक पर बैठे हुए ये बाकायदे महसूस हो रहा है।
स्कूल के बच्चों को देख के याद आया कि आज है 15 सितंबर और स्कूल खुल चुके हैं। वेलकम टू स्कूल, बच्चों को हम कहेंगे वेलकम टू स्कूल। तकरीबन 6 महीने के बाद स्कूल खुले हैं। अभी हम रुके हैं रास्ते में, थोड़ा सा स्टॉप किया है 10 मिनट के लिए, और यहाँ पे टूल प्लाज़ा है, उसका नाम लिखा हुआ है चौक मंडा। और यहाँ से लगिया जो है वो 70 किलोमीटर है। दिन के बजे हैं 2 और हम इंशाल्लाह एक डेढ़ घंटे में हम लगिया पहुँच जाएंगे। हम पहुंच चुके हैं चौपासन और यहाँ से जो लगिया शहर है वो है 28 किलोमीटर, सिर्फ 28 किलोमीटर। ये रोड पहले था मुजफ्फरगढ़ रोड और उसके बाद था मियाँ वाली रोड। ये सीधा जो जा रहे हैं ये है मियाँ वाली रोड। ये सामने चौक आ चुका है, इसको कहते हैं चौक आजम। जो लेफ्ट हैंड पे जाएगा वो जाएगा लगिया, और जो राइट हैंड पे रोड जाएगा वो जाएगा मुल्तान को, और जो सीधा जा रहा है जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं ये जा रहा है मियाँ वाली। वाह, ज़बरदस्त रोड शुरू हो गया है और बोर्ड आ चुका है जिस पे लिखा हुआ है वेलकम टू लगिया। ये आ गई है चुरंगी और यहाँ बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है आई लव लगिया।